झी yes, भाई वेरी 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 गुड आफ्टरनून हो गया सबका खाना पीना है ना आप बेहोशी वाली नींद आएगी आपको नहीं है ना घर पे सोते हो कि नहीं खाने पीने के बाद लंच के बाद सोते ही हो ना फिर आज कैसे काम चलाओगे क्या क्या अच्छा आपके ग्रुप्स में लिंक नहीं आई होगी ना आई थिंक है ना आशना विलॉक्स दिव्या अर्चना रिया अंजलि लड़कियां ज्यादा दिखती है कमेंट बॉक्स में ऐसे क्यों हेलो uh, ओके भाई चलिए ना लिंक आपको ऑफिस से भिजवा रहे हैं जब तक आपके ग्रुप में नहीं आई है हॉले होलो करके आ जाएगी तो अभी इसके पहले का लेक्चर मस्त रहा जबरदस्त रहा मजा आया है ना सीएस करने की इच्छा जागी आपके मन में तो आपने कैसे सोचा सीएस करने का <स्थाथ> किसी ने बोला या? कुछ बच्चे और कुछ भी ट्राई करते हैं फिर मजा नहीं आता है फिर बोले सीएस करेंगे ऐसा भी होता है किसी किसी की बचपन से इच्छा होती है कि हमको तो सीएसई बनना है जैसे ही पैदा होते हैं तब से सोचा होता है आपने कब से सोचा कैसे सोचा वंशवाई कह रहे हैं लड़के अपने अटेंडेंस सही बात है थोड़ी जेंडर इक्वलिटी दिखनी चाहिए हाँ जी बताइए किसी ने सजेस्ट किया या खुद रिसर्च किया रिसर्च की रिसर्च के क्या आपके कंक्लूजन निकले रिसर्च में क्या कंक्लूजन निकाला आपने <coughs> क्या मतलब क्या कुछ तो सोचा होगा ना तभी तो इंटर कि नहीं अच्छा पहले एग्जाम दिया गया किसी ने नहीं ना सब पहली पहली बार होगा जीवन में है ना ओके क्या बोले ट्वेल्थ के बाद से आपका इंडियन बॉय पीयूष है अच्छा ट्वेल्थ के बाद से सपना था बहुत बढ़िया इलेवेन्थ से सोचा कॉमर्स लेने के बाद अच्छा तो सी करेंगे वेरी गुड सी का एग्ज़ाम दिया था टफ पड़ रहा था सी में आ गए चलो कोई नहीं है ना साथ साथ में सी भी कर सकते हो आप तूफानी करना है बहुत बढ़िया ग्रेजुएशन में कम रहेंगे तो सी एस से स्टार्ट होगा ग्रेजुएशन में कम रहेगा तो सी एस से स्टार्ट होगा मतलब समझा नहीं ओके 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 ठीक है नानपुर यहाँ पर नैनपुर में तो मेरी मासी रहती थी आपके यहाँ कोई रिलेटिव रहता है क्या हाँ नहीं रेंडम तो पुणे का प्लान क्यों बनाया नागपुर नागपुर का प्लान क्यों नहीं बनाया आपने अच्छा यूनिक में ही है क्या वो वो भी नैनपुर से ही क्या अच्छा वो कटनी से है क्या नाम है अच्छा तो मेरे लिए बताया होगा घर ने कि नहीं बताया अच्छा 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 वो बोल रहा था न्यू स्टूडेंट आने वाली आपका नाम क्या है ट्विंकल अच्छा चलो ठीक है सी ए टफ पढ़ था चलो कोई दिक्कत नहीं है है <coughs> ना देखो नहीं पढ़ोगे तो ये भी टफ जाएगा ऐसा नहीं है है ना सब पढ़ने का खेल रहता है डेली वैसे पढ़ोगे तो आपको कोई 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 दिक्कत नहीं जाएगी पैकेज देखे थे सी के रश्मि के ये हुई ना बात है ना ये की ना एकदम मुद्दे वाली बात पैकेज देखे थे सर इसलिए आए वेरी गुड प्राउड ऑफ यू चलो भाई तो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें करंट अफेयर्स नाम का सब्जेक्ट है सुना आपने है ना तो करंट अफेयर्स में क्या करना होता है किसी को अंदाजा करेंट अफेयर्स में आपको बनना है आपकी मोहल्ले की आंटी है ना मोहल्ले की आंटी क्या करती है सुबह खाना बनाने के बाद शाम तक फ्री रहती है है ना दो तीन घंटे पहले तो है ना बालकनी में झाँक वाक के देखती है क्या चल रहा है किसका क्या चल रहा है फिर इधर उधर सबको बताती फिरती है फिर दोपहर का लंच करती है फिर एक डेढ़ घंटे सो जाती है है ना फिर शाम को एक आध घंटे गॉसिप करके एक आध घंटे में बना के अपना जो भी खाना बनाए है ना फिर वापस से है ना रात को या तो फोन पे लगे रहने का या तो है ना सीरियल वगैरह देखने का है ना तो ऐसे बस ये जो काम आंटी करती है ना वही आपको करंट अफेयर्स में करना है सीएसई टी पे नहीं करना है सिर्फ करंट अफेयर्स में करना है. हेलो 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 हलो चलिए भाई आ रही आवाज़ फाइनली इतने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन के बाद दो मिल गए हैं जो चल रहे हैं कितना देर चलेंगे पता नहीं है ना हो सकता है पाँच मिनट में बंद हो जाए तब तक दूसरे मंगवाए हैं ना आएंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा ओके चलिए भाई हाँ अच्छा लिंक आ गई सबके ग्रुप में व्हाट्सएप लिंक में लिंक आ गई सभी को आ गई ना ऑफिस भेज दिया ना चलिए ठीक है परफेक्ट ओके भाई देखिएगा ध्यान से आ, तो गाइज ये बता रहा था कि आपका जो सब्जेक्ट है है ना आयुषना ये जो आपका सब्जेक्ट है ना इस सब्जेक्ट में आपको मोहल्ले की आंटी बनना है मतलब आपको बस इतना जानना है कि आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है है ना पड़ोसी का किसके साथ अफेयर चल रहा है ना आपका जो है ना साइड में हो सकता है कि आपका कोई कजिन हो या आपका दोस्त हो है ना वो कितने बजे रात को घर आता है फ्रेंड को लेके आता है या लेके आती है तो कितने बजे लेके आती है तो मतलब बेसिकली देश और दुनिया की आपको खबर होनी चाहिए ठीक है भाई मोदी जी जब पुणे आए थे तो पुणे में क्या किया है ना कौन कौन सी चीजों की ओपनिंग की विदेश जाते हैं तो विदेश में क्या क्या करते हैं कौन कौन से अवार्ड्स मिलते हैं ठीक है इंडिया में जैसे बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं आपने सुना होगा भारत रत्न होता है पद्म भूषण होता है पद्म भूषण होता है फिर आईपीएल वगैरह के मैचेस होते हैं तो आईपीएल कौन जीता है ठीक है कुछ ऐसे आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे जी सेवन होता है जी ट्वेंटी होता है ऐसे आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा है ना वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनिटरी दुनिया भर की चीज है बारे में, के बारे में पढ़ा जाएगा कुछ स्कूल में थोड़ा ये कोविड वाली बैच तो नहीं है ना कोविड वाली बैच है क्या क्या निकाला? 10th निकाला ना ठीक है टेंथ तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है टेंथ तो बोर्ड होता है ना फिर नंबर कैसे दिए थे किसके मतलब सुखी जीवन रहा होगा आपका नहीं ना सोचने वाली बात है कितना सुखी जीवन रहा होगा आपका बेचारे बच्चे इतनी टेंशन लेते हैं ना बोर्ड में पढ़ाई करते हैं नारियल वारियल फोड़ के जाते हैं है ना टीके वीके लगाते हैं मंदिर मस्जिद घूमते और इधर होताओ है हो। ना बैठे बैठे घर में पास हो गए हद हदई है ना सी फाउंडेशन नोट्स कहाँ से मिलेंगे अनुराग वेबसाइट पर होंगे मोस्टली वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो सी फाउंडेशन के लॉकी नोट्स है ना बट पढ़ाए चलो ठीक है बहुत बढ़िया चलिए देखिए भाई आपको ये अंदाजा होगा कि आपके सी का न्यू सिलेबस आ चुका है पता ना आपको है ना भाई नवंबर से जो आप एग्जाम देंगे तो इसमें आपका न्यू सिलेबस होने वाला है और पहले एक वक्त पे कैसे होता था कि एक वाइवा करके भी उन्होंने रखा हुआ था है ना कि ओरल आपसे पूछेंगे लेकिन कभी वो एग्जाम वाइवा टाइप से ले ही नहीं पाए ठीक है तो वाइवा को हटा दिया है ना थोड़ा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह डाल दिया है और आपका जो करंट अफेयर सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं पहले बीस नंबर का हुआ करता था नाउ इट इज ऑफ थर्टी मार्क्स ठीक है तीस नंबर का आपका सब्जेक्ट है खुशी की बात यह है कि अभी तक आपके न्यू मॉड्यूल्स आईसीएसआई ने इश्यू नहीं किए पता ना मॉड्यूल मॉड्यूल्स सबको मॉड्यूल मॉड्यूल पता है किसी को है ना कि बताओ है ना आईसीएसआई क्या करता है आईसीएसआई खुद अपने बुक्स आपको देके रखता है और बोलता है कि भाई उससे पढ़ो ठीक है तो आईसीएसआई ने जो लास्ट दे रखा है उनकी वेबसाइट पर अभी तक वही अवेलेबल है नए वाले आने की उम्मीद है पर अभी तक नहीं आया है तो जब आएगा तब की तब देखेंगे करेक्ट है अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है वेबसाइट पर तो इसमें ना टोटल आपके चार ही चैप्टर आते हैं और मैंने उसको बढ़िया से समराइज करके रखा हुआ था है ना उसके चार्ट नोट्स वगैरह सब 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 मैंने आपको बना के दिए हुए हैं है ना ठीक है अभी तो इसको भी कहीं पर लगा दो ना इसका है कि जगह लगाने की चार्जिंग पे वो तो अब भी मैंने लगाया जस्ट अब भी लगाया वो डिस्चार्ज हम लगा हुआ किस में लगाएंगे ये अच्छा है क्या अच्छा ये खराब वाला ऐसा अब तो चारों इसी में डाल दो फिर है हाँ चलिए तो ये जो आप नोट्स देख पा रहे हैं ना तो नोट्स में तो मैंने पूरे चार्ट समरी वगैरह बना के रखी है आपका जब नया मॉड्यूल आएगा तो मोस्टली आपका एट्टी परसेंट कॉन्टेंट एक एका चैप्टर हो सकता है कि आपका चेंज हो जाए तो जब नया मॉड्यूल आएगा है हाँ ना उसमें जब चेंज करवाना होगा तो मैं आपको एक और मॉड्यूल उसके नोट्स में अलग से आपको दे दूंगा तो नोट्स की चिंता आपको नहीं करनी है जो मैंने यहाँ पर नोट्स आपको मैंने दिखा के रखे हैं यही नोट्स से आपको पढ़ना है है ना प्रॉपर समरी चार्ट वगैरह वगैरह सब 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 मैंने आपको बना के दिया हुआ है खुशी की बात यह है कि ये जो आपका नोट्स सिर्फ ज्यादा नहीं पच्चीस पेजेस के आसपास के तो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है इतना छोटा सब्जेक्ट है कि समझो अगर मैं आज स्टार्ट करूं तीन अगस्त है ना एक महीने में कंप्लीट हो जाता है बहुत हो गया एक महीना एक महीने में तो समझो कि मैं आपको रिवीजन मैराथन टेस्ट सब सबवा दूंगा तो आपको रफली बताता हूँ छुट्टिया वुटिया पंद्रह अगस्त वगैरह समझ के पकड़ के आप मानो कि दस सितंबर तक आपका मैं एक बार कंप्लीट करवा दूंगा है ना ऑफ टेंटेम्बर तक मैं एक बार कंप्लीट करवा दूंगा उसके बाद कुछ कुछ बच्चे लेट जगेंगे कि हमको भी करना है हमको भी करना है सी एस है ना फिर एक न्यू बैच स्टार्ट होती है तो समझो दस अक्टूबर तक चलेगी ठीक है मतलब मैं वापस से पढ़ाऊंगा सारा का सारा ठीक है उस बहाने आपका रिवाइज होता जाएगा और आपको दिमाग में छपता जाएगा क्योंकि देखो करंट अफेयर्स नोट वोट सब आपके जो है ना आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे वो चिंता मत करो आप करंट अफेयर्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ना कॉन्सेप्ट नहीं है आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है लेवन ट्वेल्थ में डिमांड करो सप्लाई करो ऐसे गया तो ऐसे बनाना है ये ऐसा कुछ भी नहीं है सब इधर में क्या दिया हुआ है इस तारीख को ये हुआ था इस तारीख को इसकी शादी हुई थी है ना इसकी तब है ना तो इसको शादी को दो महीने पहले बच्चा हो गया था इस टाइप की चीजें है ना तो ऐसे फैक्चुअल चीजें आपको इसमें दी हुई है तो कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा आपको इसमें थोड़े थोड़े मारने हैं रट्टे और जहां पर आपको रट्टे मारते नहीं बनेंगे वहां पर मैं आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज कहानीज शॉर्ट फॉर्म्स देकर रखूंगा तो आपको उसमें जीवन में दिक्कत नहीं जाएगी ठीक है बेडन है ना तो सब्जेक्ट का फ्लेवर समझ आएगा सब्जेक्ट का फ्लेवर कैसा है कॉन्सेप्चुअल नहीं है ठीक है मतलब रट्टेबाजी थोड़ी सी इसमें ज्यादा रहेगी ठीक है बाकी सब्जेक्ट जो आप पढ़ोगे उसमें जैसे टू प्लस टू फोर करना है टू तो इंटू थ्री सिक्स करना है तो ऐसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह में आपको वो सब काम करने लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर समझो फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बना था नाइनटीन फोर्टी फोर में तो बना था नाइनटीन फोर्टी फोर में क्या कर सकते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें आपको याद रखना है ठीक है इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है फिर अब अगर किसी को हमने अवार्ड्स दिए थे ना खेल रत्न अवार्ड्स वगैरह वगैरह होते हैं पद्म भूषण पद्म भूषण होते हैं तो वो हमने अवार्ड्स किसको दिए थे तो इस टाइप की चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाना कि भाई इस तरीके की चीज आपको जीवन में पहली बार पढ़नी है ठीक है तो आपके पास चार चैप्टर्स है सबसे बड़ा पहला ही चैप्टर आपका इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर वाला ठीक है ये बड़ा चैप्टर है मतलब बारह तरह पेज का है सीएससीटी में बड़ा चैप्टर मतलब बारह तेरह पेज का होता है एग्जीक्यूटिव में आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा टेक्स्ट में बड़ा चैप्टर मतलब नाइनटी हंड्रेड पेजेस का होता है है ना ऐसा नब्बे सौ पेज का एक चैप्टर होगा है ना एक चैप्टर मैं पूरी बुक की बात नहीं कर रहा हूँ पूरी बुक आपको जो है वो पच्चीस पेज की है डिफिकल्ट डिफिकल्ट है 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 क्या ये सब्जेक्ट नहीं नहीं बार 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 पढ़ना है। बार 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 पढ़ना पड़ता पड़ता सिर्फ रिवाइज करने का खेल है ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको समझना है हंड्रेड आपको समझ आएगा बस आपको रिवाइज ज्यादा करते हुए चलना है ठीक है भाई डन आप इतने क्यों हैरान दिख रहे हो पिछले पांच मिनट से कोई दिक्कत है नहीं नहीं एकदम लास्ट में बोल रहे कि पता नहीं क्या ही एलियन वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ना ऐसा कुछ तो फील आ रहा है क्या नाम है आपका नक्षत्रा चलो ठीक है परफेक्ट है लेकिन पढ़ने में मजा आएगा आपको है जब मैं पढ़ाता हूँ थोड़ी शेर शायरी सुनाता हूँ थोड़े गाने वाने मैं भी गा लेता हूँ है गिटार विटार बजा लेता हूँ लेकिन गिटार अभी मेरे पास अकेडमी में होता नहीं है किसी के पास होगा तो लेके आना है एक दिन वो सेशन भी करेंगे और सी में क्या फेस टू फेस बच्चे कम ही आते हैं तो आपके लिए चाय कॉफी सब नाश्ता वाश्ता मेरी तरफ से बीच बीच में चलता रहेगा है ना स्वाद अनुसार एग्जीक्यूटिव में बैठते हैं तीन सौ चार सौ बच्चे तो उनको फिर रोज रोज नहीं पिला सकते है ना आपको हफ्ते में दो तीन दिन भी हम पिला सकते हैं ठीक है हाँ जी है ना अपडेटेड रहना है तो मैं आपको बता देता हूँ आज तो देखो मैं आपको बताऊँगी हम क्या क्या रेफर करने वाले है ना किस किस चीज से पढ़ने वाले हैं अप्रोच क्या रहेगा और मेरे बारे में थोड़ा आपको पता होना जरूरी है अगर आपको नहीं पता है तो ना उसके बाद आपको जो है थोड़ा और पढ़ने मजा आएगा ठीक है ये नोट्स आपको जो है दीप आसवानी आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगे आप चिंता मत करो ना आज तो पहला पहला दिन है बिल्कुल भी चिंता ना करें चलो सुनो भाई तो हमने बोला कि ये है ना आपके नोट्स हो गए मैं आपको भिजवा दूंगा है ना मोर वोर सब अपने को पढ़ना है नेशनल बर्ड नेशनल एनिमल सब सब है ना जो भी जीवन में आपने नहीं पढ़ा होगा सीएसई में मिस कर दिया होगा तो सारे के सारे के बैकलॉग्स आपके हाँ पर CACT में क्लियर हो जाएंगे आपने जुलाई अटेम्प्ट दिया है सीएसईटी क्लियर हो जाएगा चिंता मत करो एग्जीक्यूटिव की तैयारी करो आप एग्जीक्यूटिव बैच कब से स्टार्ट होगी मोस्टली मंडे ट्यूजडे से स्टार्ट हो जाएगी रिजल्ट के एक दो दिन बाद से न्यूज व्यूज देखनी है सिंचैन में सब बताता हूँ चिंता मत करो चलो देखो देखो अपने को क्या क्या रेफर करना है और मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ एक बार फटाफट से बताता हूँ ठीक है आपको ना आईसीएसआई ने जो मॉड्यूल देकर रखी है

और घर बैठे एग्जाम देना होता है तो फिर आप कितने चालाक हो उस पर डिपेंड करता है कि आप घर बैठे कैसे एग्जाम देना चाहते हो ठीक है तो कई बच्चे जो है देख देख के भी देते हैं एग्जाम यहाँ वहां से थोड़ा ताक झाक कर लेते हैं कुछ मैनेज कर लेते हैं लैपटॉप पे देना होता है तो लैपटॉप पे एग्जाम भी चल रहा होता है और यहाँ पर साइड में मोबाइल रख के कुछ अपने अपने जुगाड़ भी कर लेते हैं बच्चे है ना तो समझदार को इशारा काफी होता है है ना तो ऐसे भी बच्चे मैनेज कर लेते हैं है ना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है और आपका नवंबर में एग्जाम होगा तो अपने पास पढ़ने के लिए सफिशियंट टाइम है ना दो से तीन महीने बहुत हो जाते हैं हम तो एक्चुअली पंद्रह पंद्रह दिन की भी बैच चालू करते हैं तो आराम से हो जाता है पूरे डिटेल में हो जाता है मतलब ये जो चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना दो 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 तीन घंटे मतलब दस घंटे आप मेरे को दे दो मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा एक भी आपका कुछ जो है छूटेगा का नहीं लेकिन आप पहली पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके नाजुक कंधों पर इतना बोझ नहीं डालेंगे है ना करंट अफेयर्स में पूछना देखो शादी कब कर रहे हो आप ऐसे ये सब करंट अफेयर से बाहर की बात है ना चलो सुनो जानवी जी मोस्ट वेलकम तो देखो क्लास के नोट्स आपको पढ़ने उसके अलावा है ना बच्चों के चेहरे पर ऐसा रहता है कि भाई आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई अभी है ना तो मैं क्लैरिफिकेशन दे दू शादी भी नहीं हुई है सगाई भी नहीं हुई है अभी तक ठीक है हो जाएगी तो आपको अपडेट आ जाएगा है ना करंट अफेयर्स के जैसे चलो सुनो ठीक है तो क्लास नोट्स आपको पढ़ने उसके अलावा आईसीएसआई खुद आपको कुछ एमसी क्यूज दे के रखता है तो उसमें तीन सौ हैं तो ये दो दिन में हो जाते हैं 175, 175 करके अपने हो जाते हैं तो ये एक बुकलेट आपके घर पे आती है है ना अगर आपका नसीब खराब रहा तो नहीं आएगी फिर आप आईसीएसआई को कॉल मेल करते फिर ना कि बुक नहीं आई बुक नहीं आई नहीं भी आई तो चिंता मत करना पीडीएफ में आपको दे दूंगा ठीक है तो साढ़े तीन सौ एमसीक्यूज अपने करने रहते हैं <coughs> उसके अलावा क्योंकि इसका नाम क्या है करंट अफेयर्स तो अपने को अपडेटेड रहना पड़ेगा न्यूज तो अपन देखते नहीं है सही बात है न्यूज पेपर देखे तो जमाने हो गए है ना सिर्फ अलमारी में कपड़ों के नीचे बिछे हुए रहते हैं है ना या फिर लॉन्ड्री वाला टी शर्ट और शर्ट के बीच में डाल के देता है भेल वाला कभी भेल देता है उतने ही काम में आते हैं अपने है ना करेक्ट है उसके अलावा तो न्यूज तो दूर की बात होगी है ना तो न्यूज पेपर की आपसे बात ही नहीं करूंगा लेकिन मोबाइल अपलीकेशन आपको कुछ कुछ रखना है मैं आपको बता देता हूँ कंपल्सरी ना उसको डाउनलोड करके रखना मोबाइल एप्लीकेशन को तो मोबाइल एप्लीकेशन में मेन तो एक करना आप इन शॉर्ट नाम का है ठीक है एक मेन करना आप हाँ जी अनामिका जी भेज दूंगा चिंता मत करो बुक आ जाएगी दस पंद्रह दिन के बीच में अना वंश भाई शुक्रिया गॉसिप में सब जरूरी है मालूम बिल्कुल जूही अग्रवाल मैं बताऊंगा ना कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है हर टाइप की गॉसिप काम की नहीं है सिलेक्टिव गॉसिप काम की है जो आपको एग्जाम में पूछ पाए रणबीर आलिया की शादी कब हुई थी ये नहीं पूछेंगे आपको चिंता मत करो ठीक है पर जो जो पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के पूछते हैं तो आपको देखो इन शॉर्ट्स नाम का एक न्यूज एप्लीकेशन है इसमें से आपको न्यूज पढ़ना है अगर फिर आपकी इच्छा होगी तो आप जो है एक इकोनॉमिक टाइम्स भी रख सकते हो अपने पास है ना इकोनॉमिक टाइम्स का भी एक वेबसाइट है वो आप रख सकते हो है ना इंडिया टुडे चलो ठीक है तो इतना आपने दो रखा मोर देन सफिशियंट है और जिनको लगता है कि है ना जिनको लगता है कि भाई यहां पर इन शॉर्ट्स इकोनॉमिक टाइम्स अपने से पढ़े नहीं जाएंगे तो इंस्टा पे सबका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे सबका अकाउंट है सही है ना तो मैं आपको इंस्टा से भी बताता हूं न्यूज कहां से पढ़ना है तो आप ना इंस्टाग्राम पे जैसे कुछ कुछ आपके पेजेस हैं तत्व इंडिया वगैरह ठीक है ये एक अच्छा पेज है इसमें आपको काफी सारे अपडेट्स मिल जाएंगे तत्व इंडिया आप रख सकते हो जिनको अभी आप पुणे में रह रहे हो जिनको पुणे की लोकल न्यूज जाननी है तो डीसीएन पुणे करके बाकी बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पुणे से कोई मतलब नहीं होगा सही सी बात है ठीक है तो आप डीसीएन पुणे वगैरह ये दो तीन पेजेस फॉलो रखो तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे तो इतना इतना पढ़ लेना मुझे तो यह पता है कि आप न्यूज एप्लीकेशन नहीं खोलोगे मुझे आप पर पूरा भरोसा है ठीक है लेकिन आप इंस्टा में दस फोटो देखोगे एक न्यूज का आ गया तो पढ़ लोगे उस बहाने ठीक है तो आजकल न्यूज पढ़ने का अपडेटेड रहने का नया तरीका इंस्टाग्राम ठीक है वर्षा करिए नहीं है ठीक है फिर आप न्यूज एप्लीकेशन देखो है ना कोई दिक्कत नहीं है इन शॉर्ट्स किया था बट उसमें क्रिमिनल न्यूज ही ज्यादा आती है हाँ तो अपने को पूछेगा ना क्यों नहीं पूछेगा है ना अब तो आपको ध्यान रखना है है ना अब तो आपको ध्यान रखना है तो ये सारी की सारी चीजें आपको जो बेसिकली ध्यान रखनी है तो पहले मैंने बोला कि भाई क्लास नोट्स रहेंगे आईसीआई के एमसीक्यूज रहेंगे फिर आपके पास ये न्यूज एप्लीकेशन है जो कंपलसरी आपको ध्यान रखना है ठीक है उसके अलावा आपको यहां पर पढ़ना होता है ई बुलेटिन सुना बुलेटिन क्या होता है पूरे महीने भर में हर एक महीने का एक अलग अलग बुलेटिन आता है मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं आप अगर कुछ मत करो आप सिंपली गूगल पे भी जाओगे ना

जून का तो ये जून 23 मई 23 अप्रैल 23 ऐसे हर महीने का एक एक बुलेटिन आता है तो आपके नवंबर में एग्जाम है तो अपन लगभग लगभग पिछले छह महीने का पढ़ेंगे छह महीने का मोर देन सफिशियंट है ना मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर तो मई टू तो अक्टूबर पढ़ेंगे मोर 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 देन सफिशियंट है अभी जो इसमें लेटेस्ट वाला आया हुआ है लेटेस्ट वाला इज योर जून दो क्लास टेंथ में हो सनी कह रहा है मुझे अभी से क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए देखो सीएस करना है तो अभी आप लोड मतलब ठीक है सीए वगैरह करना है तो आप लेवेंथ से सीए की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो ठीक है सीएस करना है तो आपका एंट्रेंस बहुत ईजी है आपने ट्वेल्थ के बाद भी किया तो भी चलेगा ठीक है बाकी उसके अलावा आप नॉर्मल अपडेट्स रख सकते हो लाइफ में देखो भाई तो इस तरीके से आपका होता है ई बुलेटिन ठीक है पहले ई e बुलेटिन नाम था आईसीएस को लगा कि थोड़ा सोफिस्टिकेटेड नाम होना चाहिए तो उन्होंने नाम रख दिया कम्युनिक तो दिस इज सिंपली वॉट योर मंथली अपडेट्स ये सिंपली क्या है भाई आपके मंथली अपडेट्स ये मेरा वाला है आपको इधर का आपके क्या है सिंपली ने आपके मंथली अपडेट्स हैं तो ये हर महीने आता है अब देखो ये सब ये सब चीजें भी पूछता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो दिया हुआ जी ट्वेंटी सुना आपने जी ट्वेंटी क्या जी ट्वेंटी कोई बताएगा रिजल्ट आएगा अंकिता दस तारीख के आसपास सीएसई टी प्री एग्जिट बैच में कोई कंफर्मेशन नहीं है आ जाएगा ना दो चार दिन में आ जाएगा अब मुस्कान ऑफिस में कॉल करना हां जी बताइए जी ट्वेंटी क्या है किसी को बताए अभी इंडिया में हो रहा है कुछ कुछ तो बताओ <coughs> हाँ बताओ क्या बोल रहे हो रहा है हो रहा है क्या है जी ट्वेंटी है क्या <coughs> सॉरी <coughs> कुछ सुना तो होगा ऑनलाइन में जो इतने सारे बच्चे देख रहे हैं कोई तो कुछ तो बताओ सचिन भाई क्या पूछ रहे हैं आईसीआई जो बुक्स आते हैं आई थिंक वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं ना, आपको बाकी बच्चे अच्छे से बता पाएंगे बाकी बीस कंट्री उसमें मेंबर है वेरी गुड रश्मि है ना बहुत ही लॉजिकल बताया उसने यानी जी ट्वेंटी है तो ट्वेंटी कंट्रीज तो उसके मेंबर है सही बात है ट्वेंटी कंट्रीज़ मिलकर क्या करेगी गरबा करेगी मतलब ट्वेंटी कंट्रीज़ हर साल मुलाकात करती हैं कंट्रीज मुलाकात करती हैं मतलब उनके जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वगैरह रहेंगे वो एक साथ आके मिलते हैं ठीक है और क्या करेंगे मिलने के बाद डिसीजन लेंगे आपने क्या बोला डिसीजन लेंगे डिस्कशन करेंगे क्या डिस्कशन करेंगे सही है मिले तो भाई टाइम पास तो नहीं करेंगे डिस्कशन ही करेंगे वेरी गुड क्या डिस्कशन करेंगे जैसे पहली बार सुना है मैंने न्यूज के बारे में हद यार ऐसे मत बोलो ग्लोबल इश्यूज के बारे में डिस्कस करते होंगे बिल्कुल सही जा रहे हो तो एकदम सही बैठा है अच्छा हुआ आपका एमसीक्यू एग्जाम है <laughs> चलो बताओ जैसे ग्लोबल इश्यूज क्या क्या डिस्कस करना चाहोगे ग्लोबल इश्यूज क्या क्या डिस्कस करते होंगे <laughs> हाँ जी वंश वेरी गुड इस बार इंडिया होस्टिंग कर रहा है एकदम सही है कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं इट्स केप ही कह रहे हैं अच्छा इकोनॉमिक इश्यूज ठीक है सर ऊपर ऊपर से मत बताओ जो इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा है आपने थोड़ा सा एक आध ऐसे बताओ गरीबी डिस्कस करेंगे हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करेंगे इस टाइप की चीजें इकोनॉमिक इश्यूज इन वर्ल्ड फोकस ऑन द थीम ठीक है वेरी गुड रितु शर्मा प्राउड ऑफ यू रितु आपने एकदम परफेक्ट बताया नाइनटीन कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है बहुत बढ़िया समिट होता है डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स करेक्ट है करेक्ट 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 है 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 तो भाई देखो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई तो ऐसे दुनिया भर के जो भी है, ये कंट्रीज हर साल मिलती है और फिर उनको लेकर डिस्कशन होता है ठीक है इस बार भी ये इंडिया में मीटिंग होने वाली है और ये इंडिया में मीटिंग होने वाली यहां पर दिल्ली में दिल्ली का प्रगति मैदान है सितंबर की डेट दी गई है और वहां पर जो है 20 कंट्रीज मतलब 19 कंट्रीज और एक यूरोप है यूनियन है और वो आके यहां पर मुलाकात करने वाले ठीक है तो जी ट्वेंटी सिंपली वर्ड बीस

अपन ऐसे याद करते हैं कि जरा मैंने उत्सुक करके है ना जरा मैंने उत्सुक करके पान कैंडी एंड इडली फ्राई खाया कैसा नाम ये जरा मैंने उत्सुक करके पान कैंडी एंड इडली फ्राई खाया तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इस सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट नहीं है रट्टे मारने वाली चीज़ तो रट्टे तो ऐसे ही मारेंगे है कि नहीं तो भूल जाओगे ना तो जरा मैंने उसुक करके पान कैंडी एंड इटली फ्राई खाया इसमें आपके सात देशों के नाम छुपे हुए जरा इज जरा मैंने इज जर्मनी वेरी गुड है ना जर्मनी हो गया ये उसुक में दो नाम आ गए यूएस यूके पान कैंडी पान से जापान वेरी गुड कैंडी से कैनेडा क्या है बात है है ना इंटेलिजेंट बैच मिली इस बार इटली तो चलो ठीक है इटली है है ना इडली फ्राई लिखता हूं मैं मैंने इटली फ्राई लिख दिया और फ्राई से फ्रांस ऐसा ठीक है तो जैसे आपको देखो सात आप नाम मेरे ख्याल से तो नहीं भूलोगे है ना जरा मैंने उसको करके पान कैंडी और इटली फ्राई खाया ठीक है तो इसी तरीके से मैं आपको जी ट्वेंटी भी याद करवाऊंगा फिर कहीं पर दस कंट्रीज हैं कहीं पर आठ कंट्रीज हैं कहीं पर नौ कंट्रीज है दुनिया भर की बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी चीजें ठीक है तो उनको अपने को याद करने का तरीके कुछ ऐसा रहेगा ताकि आपके नाजुक नाजुक कंधों पर बोझ ना आए ठीक है भाई समझ आया नाई ओके तो मैं आपको बता रहा था अपने को अलावा क्या करना होता है और ई बुलेटिन ई बुलेटिन मतलब समझ आया ना ई बुलेटिन में क्या रहेगा आपका मंथली अपडेट्स हाँ जी ट्विन सिस्टर्स बिल्कुल पढ़ाएंगे ना क्या रहेगा आपका मंथली अपडेट्स तो इसमें आपको देखो ये सब दिया रहता है जैसे जी ट्वेंटी हो गया अभी हमारे आजादी को पचहत्तर साल हुए थे तो आजादी का अमृत महोत्सव तो ये नाम भी पूछ लेता है कि भाई अभी हमने क्या सेलिब्रेट किया था तो आजादी का अमृत महोत्सव उसको हमने नाम क्या दिया था ऐसा ठीक है फिर अगर आपने सुना होगा कि अभी मोदी जी अमेरिका गए थे और उन्होंने ए आई का नया फुल फॉर्म बताया है है ना क्या होता वेरी गुड ए आई होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफेक्ट तो मोदी जी ने यूएस में जाके कहा कि आज से ए मतलब नया नाम सुना आपने हाँ वेरी गुड है क्या बोला आज से ए फॉर अमेरिका और आई से इंडिया तो लिटरली जो वहां पर पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो खड़े होकर ताली बजा हो रहे थे है ना आप देख सकते हो आपका यूट्यूब पर ही वीडियो मिल जाएगा तो मतलब इस टाइप की चीज़ें अपने को एग्जाम में पूछते हैं तो अपने को थोड़ा बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी अपडेट रहे तो काम हो जाएगा मतलब मोदी जी मंत्री ऐसा मारते हैं कि भाई बताओ है ना अंग्रेज भी खड़े होकर ताली बजा रहे तो हम तो इंडिया वाले हम तो भाई है ना फैन रहेंगे ही रहेंगे ऐसा ठीक है चलो इसी को मैं आपको एक है ना झलक दिखाता हूँ इसकी इसके बाद देखो आपको ये पूछता है जैसे देखो यहाँ पर करंट अफेयर्स के आपको दो दो पेज का अपडेट आता है है ना नाइन्थ और टेंथ पेज तो ये अपन एकदम लास्ट में करते हैं दो दो पेज ही होता है ज्यादा नहीं होता है फटाफट कवर हो जाता है फिर अपने को ये सब भी याद रखना पड़ता है आईसीएसआई के प्रेसिडेंट कौन है तो आईसीएसआई के प्रेसिडेंट साहब का नाम क्या है अरे सी मनीष गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट सी बी नरसिमन तो ये सब भी है ये सब भी आपके सिलेबस में है

अब इसमें मैं क्या क्या करवाऊंगा तो मैं आपको ऑफकोर्स रेगुलर बैच तो अपन करेंगे ही करेंगे और रेगुलर बैच दो तीन तो रेगुलर ही हो जाएगी कम से कम क्योंकि टाइम बहुत है अपने पास ठीक है फिर आपका ऑफकोर्स रिविजन भी होगा फिर आपका मैराथन भी होगा मैराथन पता है ना आपको मैराथन में क्या होगा वन डे वन सब्जेक्ट है ना बारह घंटे छह घंटे सात घंटे जितना भी बड़ा सब्जेक्ट रहा तो एक दिन में आपका एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा करेक्ट है वो भी अपना एकदम लास्ट क्लास में अपन लोग करते हैं ठीक है या फिर वीकली भी करते हैं मंथली भी करते हैं जैसे जैसे जरूरत लगी वैसे करते हैं उसके बाद आपके यहाँ पर एमसीक्यू के भी मैराथन होते हैं लास्ट टाइम में फुल एमसी कवर हो जाते हैं इसमें और आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का भी सेशन होता है तो ये टोटल चीजें आपकी कवर अप हो जाएगी और सी एस सी टी में ऑनेस्टली बताऊं तो इतना पढ़ाई का लोड नहीं रहता है करंट अफेयर्स का तो नहीं रहता है क्योंकि जो भी अपन पढ़ते हैं अपन तीन चार पांच छह बार छह बार तो कम से कम मैं पढ़ा दूंगा तो आप क्लास में बार 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 बार, बार बैठोगे तो आपको याद ही हो जाएगा लेकिन आपके जो बाकी थोड़े कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स है ना लॉ वगैरह हो गया थोड़ा इको हो गया है ना उन सबको एक बार घर जाके पढ़ लेना ज्यादा नहीं पढ़ाई को एक घंटा देना कम से कम कोशिश करके नहीं भी दोगे वैसे तो भी चलेगा बट फिर भी ना आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वैसे तो हम पूरा का पूरा रिवाइज करवाते ही है लेकिन फिर भी आप घर गए ना तो थोड़ा आपके एक घंटे कम से कम बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए तो फिर आपको एग्जीक्यूटिव में काम में आएगा नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सी तो क्या था चिल्लर था हवा का झोंका था ऐसी पास हो गए फिर एक्सिक टाइम में आपको लगा भाई ये क्या हो रहा है ना दस दस बारह बारह घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं तो आप उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पढ़ना है ठीक है समझ आओ परफेक्ट है ओके है ना समझ आ रहे सभी को है ना टेस्ट वगैरह होंगे ना आपके हर चैप्टर के बाद है ना घर वालों को नहीं बताएंगे आपके हम बहुत कम नंबर आए तो घर वालों को बताएंगे ठीक है चिंता ना करो मान लो मुझे मैसेज करो रात को साढ़े सात आठ बजे बात कर लेते हैं टेक्स को लेकर ठीक है चलो भाई तो ये बेसिक बेसिक मुद्दे क्लियर हो गए आपके ओके चलो तो ये hello, 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 hello. आरिया चलिए तो, तो कल ना पहले मैं आपका एक छोटा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर टू पांच छह पेजेस का है आज क्या है थर्सडे थर्सडे ना हाँ फ्राइडे सैटरडे मंडे मंडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा चिल्ण 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 है ना एकदम चिल्ला चिल्ला चैप्टर है ना एक डेढ़ एक डेढ़ पेज भी आपने पढ़ा तो मोर देन सफिशियंट हो जाता है है <coughs> ना ओके आप कभी बने सी एस चलो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ अभी ठीक है तो पहले तो मैं सी ए हूँ ठीक है और सी एस का एग्जीक्यूटिव लेवल मैंने क्लियर करके रखा है प्रोफेशनल अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ हो सकता है कि आप और मैं मेरे एग्जाम सेंटर में बैठे हुए मिल जाए है ना आप मुझे ना पहचानो इसलिए मैं कैप और रुमाल बांध के बैठा हूँ ऐसा पॉसिबल है है ना तो प्रोफेशनल मेरा देना बाकी है बट सी ए आई क्लियर अराउंड सिक्स ईयर्स बैक हाँ छः साल पहले मैंने सी ए क्लियर किया था तो थोड़ा सा मैं आपको अपना इंटरव्यू देता हूँ तो आपको समझ आएगा कि आप किससे पढ़ रहे हो तो सी <coughs> ए की जर्नी से स्टार्ट करता हूँ तो सी ए आई क्लियर इन वेरी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सी ए फाउंडेशन जो अपना सी ए सी पी टी अभी सी ए फाउंडेशन है वो अपना मैंने इंदौर से किया था एंड आई वॉज इंदौर टॉपर मेरे दो सौ में से सिर्फ एक सौ अस्सी नंबर आए थे मतलब नाइन्टी परसेंट तो ऑल इंडिया रैंक ट्वेल्थ था मेरा सी ए फाउंडेशन में ठीक है सी ए इंटर में आई वॉज एट्थ रैंकर इन इंदौर इंदौर में मेरा एटथ रैंक था फिर सी ए फाइनल के लिए मैं यहाँ पर आ गया और सी ए फाइनल यहाँ पर मैंने यहीं से क्लासेस की अलग, अलग 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 और मैंने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में सी ए क्लियर किया हुआ है उसके अलावा अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर गरवारे कॉलेज वगैरह आपने सुना होगा है ना तो गरवारे कॉलेज का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ ग्रेजुएशन को लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहा था एक साल मैंने किया फिर नोटिफिकेशन आ गया कि सी ए सी एस पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर है तो मैंने छोड़ दिया फिर है ना एम कॉम एम बी वगैरह उसके अलावा सी एस एग्जीक्यूटिव मेरा क्लियर है मैंने आपको बताया थोड़ा और अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं है ना थोड़ा और अगर मैं पीछे जाऊं और टेंथ की बात करूं तो आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मैथमेटिक्स मेरे सिर्फ सौ में से सौ नंबर आए थे टेंथ क्लास में और ट्वेल्थ में अगेन जो है मेरा समझो कि रैंक था तो ये कुछ अकेडमिक्स की बात हो गई इसके अलावा मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें तो सी वालों को पढ़ाता हूँ सी फाउंडेशन में मैं लॉ पढ़ाता हूँ सी इंटर वालों को मैं टेक्स्ट पढ़ाता हूँ सी एस में आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा ये करंट अफेयर्स वो मैं पढ़ाता हूँ सी एस एग्जीक्यूटिव में अगर मैं आपको टेक्स पढ़ाऊंगा सी एस प्रोफेशनल में मैं आपको एक से डेढ़ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा है ना कोई सोशल गवर्नेंस वाले सब्जेक्ट रहेंगे तो पूरे प्रोफेशन तक की अपनी यहाँ पर जो है अपना सफर रहेगा ठीक है यहाँ पर एम कॉलेज सुना है आपने है ना तो एम कॉलेज में पहले पढ़ाता था एज अ विजिटिंग फैकल्टी दो तीन साल में जाता था वहां पर मैं एम वालों को पढ़ाता था बीबी वालों को पढ़ाता था बीकॉम वालों को पढ़ाता था उधर भी टैक्स ही पढ़ाता था मेरा जो कोर सब्जेक्ट है दैट इज टेक्सेशन देन लॉ मैं टीचिंग में आया ही टैक्स के लिए था है ना फिर धीरे 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 की बोले चलो करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ रहा था तो बोलो ठीक है अपन पढ़ा देंगे लोड मत लो ऐसी वाली बात है ठीक है तो ये कुछ कुछ जो है मेरा करियर वाइज हो गया है ना फिर कुछ पढ़ाई वाइज हो गया है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा हुआ था जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था तो मुझे ना हिंदी में नंबर बहुत कम मिले थे तो मेरा होम टाउन जो बाला है बालाघाट है मोदी सर और मैं तो स्कूल फ्रेंड्स हैं के जी से लेकर ट्वेल्थ तक है ना फिर वो सी करने निकल गया नागपुर मैं सी करने गया इंदौर फिर मैं इंदौर से पुणे आ गया और मोदी सर नागपुर से पुणे आ गए फिर यहां से हमारी जर्नी जो है वापस से साथ साथ में चल रही है तो हमारा होम टाउन सेम ही है ना एक ही स्कूल में थे एक ही रिक्शा में जाते थे एक ही क्लास में पढ़ते थे ऐसा वाला सीन है और तो यहां पर ट्वेल्थ क्लास में क्या हुआ था मेरे पास जो है मुझे नंबर बहुत कम मिले थे हिंदी सब्जेक्ट में हमारा होम टाउन बालाघाट है पी आपको पता होगा तो वहां पर जब मुझे हिंदी में कम नंबर मिले थे ना तो मैंने केस किया था तो आप अगर गूगल पे जाओ और आप मेरा नाम डालो शायरी सुनाता हूँ इसके बाद है ना गूगल पे जाओ मेरा नाम डालोगे तो आपको ये तो ठीक है रील्स रील रील्स तो मिलेगी ठीक है है ना कुछ मिलियन वाली रीस आपको रील्स भी मिल जाएगी इंस्टा पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पर मेरे नाम का एक केस लॉ है केस लॉ पता है आपको क्या होता है केस लॉ मतलब आपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाके आपने केस किया था और उसका डिसीजन आया हुआ है तो मुझे हिंदी में नंबर कम मिले थे तो मैंने हाई कोर्ट में जाके केस किया था तो मुझे हिंदी में नंबर कम मिले तो एम हाई कोर्ट में केस किया था तो ये आपको देखो केस लॉ मेरा मिलेगा सोमिल मंगलानी वर्सेज द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 12 सितंबर 2012 2012 में हम बारहवीं में थे ट्वेल्थ में थे तो तब का ये केस है तो कुछ दिक्कत ये थी कि हिंदी का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था तो मुझे एक्सपेक्टेड था 90 प्लस मिलेंगे लेकिन सिर्फ 69 नंबर दिए थे तो बोला इतने कैसे नंबर कम मिल गए तो मैंने मंगाई वहाँ से कॉपीज तो मैंने कॉपी में सब परफेक्ट लिखा था एकदम लेकिन मेरे बहुत सारे पेजेस को उन्होंने क्लियर कट ऐसे ऐसे काट के रखा था डायरेक्ट कट कर दिया था तो मैंने यही केस किया था कि भाई मेरे आंसर अच्छे से चेक नहीं हुए मेरी कॉपी को वापस से रीचेक किया जाए तो उन्होंने कहा हमारे पास री चेक का कोई प्रोविजन नहीं है हम री टोटल कर सकते हैं मैं बोला टोटल नहीं करवाना है मुझे री चेक करवाना है तो ये डिसीजन दिया उन्होंने आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो उन्होंने री चेक नहीं किया तो ठीक है केस तो अपन हार गए लेकिन अभी जो पैसा हमने खर्चा किया था वो नाम दिखता है गूगल पे है ना सोम मंगलानी वर्सेजी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ठीक है यस मैं सिंधी हूँ मंगलानी से आपको समझ ही रहा होगा ठीक है तो ये कुछ कुछ मेरे बारे में जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको और है ना बहुत सारी चीजें पता चलती जाएगी पढ़ाने का तरीका वगैरह वगैरह वैसे मेरा जो रियल टीचिंग स्टाइल आपको पता चलेगा वो आपको एग्जीक्यूटिव में पता चलेगा है ना ये तो ऐसा है कि भाई बढ़िया आपने आना है छिल मारना है आधा पौन घंटा पढ़ना है और आपको याद करके जाना है लेकिन मेन जो कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ाऊंगा टैक्स जो आपका आता है एग्जीक्यूटिव के सेकंड ग्रुप में आता है तो वहां पर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा है ना ऐसे ठीक है यहां तक बातें क्लियर है है ना चलो हाँ जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं फटाफट से लाइक तो कर ही दो कंपलसरी और कंपल्सरी जो है कमेंट भी कर देना लेक्चर में एंड करता हूँ लेकिन एंड करने के पहले आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाता हूँ <coughs> एक अपनी मैंने कुछ अच्छी अच्छी शायरी है ना आपके लेवल की पहले मुझे सुनानी पड़ेगी लेवल बढ़ा दूंगा तो आप डर जाओगे <coughs> चल लेवल बढ़ा दूंगा डायरेक्ट है ना इयरफोन्स पहनने पड़ेंगे वैसे जरूरत नहीं है है ना शायरीज की खासियत रहती है कि आप बड़ी सी बड़ी चीज काफी सादगी से कह जाते हो है ना सामने वाले को पता भी नहीं चलता है वो नॉर्मल हिंदी मराठी में बोलो तो सामने वाला हो सकता है ऑफ हो जाए इस टाइप का है ना चलिए सुनेगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग थोड़े मेच्योर हैं है ना समझ आपकी बढ़ चुकी है तो गौरव में वन ऑफ फेवरेट शायरी में आपको सुना रहा हूँ है ना चलिए तो लाइक वही कर दो यार लाइक काफी कम बच्चों ने किया और जानने के बाद कंपलसरी कमेंट भी करना है है ना ऑफलाइन वालों को भी करना स्टार्टिंग दो तीन लेक्चर बोलूंगा फिर नहीं बोलूंगा फिर आपकी इच्छा ठीक है चलो सुनो यस मेघा जी बधाई हो गौरविंग इर्शाद बोलना पड़ता है जब भी कोई शायर शेर सुनाए तो मैं स्टार्ट करूंगा गौरविंग आपको बोलना है इर्शाद जब समझ में आने लगे तो वाह 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 ठीक है और पूरी समझ में आ जाए तो एकदम मतलब सोने की चेनवेन फेंक सकते हो अंगूठी फेंक सकते हो कोई दिक्कत नहीं है आपने वो सब चलता है 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 ठीक ऑनलाइन वाले ना कैसे देंगे ऑनलाइन वालों को देखो सुपर चैट का ऑप्शन है उधर है ना ग्यारह रुपए इक्कीस रुपए एक सौ एक रुपए पांच सौ एक रुपए अपने श्रद्धा के हिसाब से आप जो है ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है अकेडमी को जाएंगे वो हम पैसा आपके पार्टी के लिए यूज करेंगे एग्जीक्यूटिव में चलिए और बनेगा कि उसने अपने होठों से छूकर इमेजिन करके सुनोगे ज्यादा मजा आएगा आपको में ये कि उसने अपने होठों से छूकर समंदर के पानी को भी गुलाबी कर दिया थोड़ी गहराई है शायरी में ना गौर में ये कि उसने अपने होठों से छूकर समंदर के पानी को भी गुलाबी कर दिया और हमारी तो बात ही क्या थी और हमारी तो बात ही क्या थी उसने तो मछलियों को भी शराबी कर दिया शुक्रिया शुक्रिया चलो अरे चलो एक और सुन लो है ना छोटी सी गौरव आएगा छोटी सी है कि कहने सुनने को कुछ बचा नहीं हर बात हो गई दो ही लाइन की छोटी सी है। बताना पड़ता है दो लाइन या चल रही तो खत्म हो जाती पता है पता नहीं चलता बच्चों को है ना तो देखो दो लाइन है खत्म हो जाएगी तो वाह वाह बोल देना मतलब मुझे बाद में समझना सुनेगा तो गौरव आइए कि कहने सुनने को कुछ बचा नहीं हर बात हो गई चलो कहीं बैठकर शराब पिए बड़ी रात हो गई शुक्रिया शुक्रिया चलो भाई है ना तो इसी के साथ इसी के तरीके के है ना आपके लेक्चर रहेंगे और चिल मोड होने वाले आपका चिंता मत करो लेकिन आपको कंपलसरी डेली बेसिस पर अटेंड करना पड़ेगा आपको उतना ही करना है ना उत्ताप करोगे तो बाकी रटवाने का काम याद करवाने का काम समझाने का काम सब मेरा है ठीक है तो कंपल्सरी लाइक और कमेंट कर देंगे है ना सभी लोग है ना कम से कम सौ कमेंट मुझे देखने चाहिए और लाइक्स तो भाई जितने देख रहे हैं वो सब रिकॉर्डेड देखेंगे उनसे भी गुजारिश है बाकी अब बट से स्टार्ट करेंगे पांच मिनट में आपको अगर ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हो ठीक है और आपको ब्रेक लेना है और आपको बाहर जाना है तो मेरे जाने का वेट नहीं करना आप अंदर जा सकते हो ओके चलिए बाई थैंक यू मच शुक्रिया <coughs> हेलो